एक ओर जहां देशभर में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का गढ़ बनता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच महाराष्ट्र की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन महाराष्ट्र में तेजी से पांव पसारता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित दो और लोग पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए दोनों लोगों ने हाल ही में दुबई की यात्रा की थी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला लातूर और पुणे में पाया गया है। इस तरह पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या 41 जा पहुंची है, जबकि अकेले महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 20 हो गई। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच में महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच कोरोना ने एक बार फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपना निशाना बनाया। महाराष्ट्र में मंडराते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इतना ही नहीं, करीना की करीबी दोस्त अमृता अरोड़ा भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण से खुद को नहीं बचा पाई। हाल ही में करीना और अमृता को पार्टी करते स्पॉट किया गया था। इस पार्टी में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां शामिल हुई थी और ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर सुपर स्प्रेडर का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच मुंबई बीएमसी का कहना है कि पिछले दिनों कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए कई पार्टी की गई है। इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के आदेश दिए गए। पार्टी में शामिल हुए लोगों को ट्रैक करने की कोशिश की।